हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज के वीडियो में हम एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं और ये वीडियो आज एक्सपेरिमेंटल वीडियो है। दोस्तों बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो के अंदर, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए हम करने वाले क्या हैं। हमारे पास एक ये बोया का M1 माइक है, ठीक है, आप देख रहे हैं ये बोया का M1 माइक है, और दूसरा मेरे पास ये ग्रेनरो का वायरलेस माइक है। ठीक है दोस्तों, आज मैं जो है बोया के M1 माइक को वायरलेस माइक में कन्वर्ट करने वाला हूँ, इन दोनों डिवाइसों को कंबाइन करके। कैसे करूंगा दोस्तों ये सब वीडियो में दिखाऊंगा आपको, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो बहुत मजा आने वाला है और ये कोशिश कितनी कामयाब होगी आपको दिखाते हैं इस वीडियो के अंदर। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं, और वीडियो पसंद आए दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो दोस्तों मैं आपको पहले बता देता हूँ कि एक माइक काम कैसे करता है। देखिए माइक ऐसे काम करता है, इसके अंदर एक माइक्रोफोन लगा हुआ है यहाँ पर, और माइक्रोफोन जो है यहाँ से आवाज को कनेक्ट करता है और इस वायर के थ्रू होकर के ये उसके फोन के अंदर भेज देता है। फोन के अंदर जिस भी डिवाइस में आप लगाएंगे कैमरे के अंदर वहाँ भेज देता है। तो कहने का मतलब ऑडियो यहाँ पर जनरेट होती है, ऑडियो जनरेट होकर के यहाँ से जो है आपके अंदर उसमें चली जाती है फोन के अंदर। और दोस्तों इसी तरीके से ये वायरलेस माइक भी काम करता है, वायरलेस माइक काम करता है, यहाँ से ऑडियो जनरेट होती है और इस सेंसर के थ्रू होते हुए यहाँ सेंसर में आती है और सेंसर के थ्रू आपके फोन के अंदर जाके रिकॉर्ड हो जाती है। तो आज हम इसी का एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। हम जो है एक कनेक्शन करेंगे छोटा सा, और उस कनेक्शन के थ्रू जो है इस माइक को जो है वायरलेस माइक बनाएंगे। तो कनेक्शन कैसे करना है वो दिखाते हैं। अभी फिलहाल हम इसको यहाँ कुछ नहीं करेंगे, इसको साइड रख देते हैं। हमें जो भी करना है इस डिवाइस के अंदर करना है, वायरलेस माइक के अंदर। तो चलिए दिखाते हैं क्या करना है। सबसे पहले क्या करना है, हमें इसको इस वाली डिवाइस को खोलना है। ये हमारा सेंसर है, हमें इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये वाला जो रिसीवर है जो ऑडियो आपका रिसीव करेगा माइक उस पर करना है। तो ये हमें सबसे पहले इसका जो फॉर्म है उतार लेंगे। चलिए हमने इसका फॉर्म उतार लिया, ये फॉर्म हमने उतार लिया। फॉर्म उतारने के बाद हमें इसको खोलना है। तो ये हमने अपना कटर ले लिया है, कटर लेके हमने इसको ओपन कर लेना है इस तरह। तो ये हमारा ओपन हो गया है, ठीक है। ओपन करने के बाद हमको इसका माइक निकालना है, तो माइक निकाल लेंगे दोस्तों। ये माइक हमने निकाल लिया, और माइक निकाल के हम इसका पीसीबी भी निकाल लेंगे। तो हमने इसका पीसीबी बड़े आराम से निकाल लिया। देखिए इसका पीसीबी कुछ इस तरीके का होता है, ये हमने ओपन कर दिया। अब आप देख रहे हैं वायरलेस माइक का ये पीसीबी है, ये देखिए माइक का एक पीसीबी लगा हुआ है यहाँ पे, इस तरह इतना बड़ा ये पीसीबी होता है। अब हमें इसी में जुगाड़ करना है। जैसे कि मैंने बताया था कि ऑडियो यहाँ से रिसीव होगी और यहाँ से चली जाएगी। अब क्या हो कि अगर हम यहाँ पे बोया माइक को यहाँ कनेक्ट कर दें यहाँ पर, तो क्या होगा, तो चलिए वो देखते करके कैसे रिस्पांस मिलता है। तो चलिए क्या करना है, हमें करना यह है कि हमें जो ये वाली पिन है इस पिन को कनेक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे इसका माइक वाला जो केबल है वो काटेंगे। तो देखिए ये वाला माइक का केबल है हमारे पास, ये यहाँ पर देखिए सिंबल बनाया माइक का। तो हमें इसको यहाँ से कट कर लेना है। तो हम इसको यहाँ से थोड़ा सा कट करेंगे, यहाँ से हम कट कर लेते हैं। हमारे पास कैंची है, हमने कैंची से इसको यहाँ से इतना कट कर देना है। देखिए मैंने इसको कट कर दिया यहाँ से, इसको इस पार्ट को हमें साइड कर देना है। अब ये पार्ट हमारा इतना बच गया है, अब इस पार्ट को हमें यहाँ से थोड़ा छील लेना है। देखिए दोस्तों छीलने के बाद हमारे पास यहाँ पर ये दो वायर हमें मिलती हैं, जैसे देख रहे हैं आप कि एक वाइट है और एक गोल्डन कलर की कॉपर वाली है, और दूसरी जो है रेड कलर की जो है वो पॉजिटिव माइक की पॉजिटिव सप्लाई है। तो हमें क्या करना है, इसके जो दोनों पॉइंट है ये पहले सोल्ड कर लेंगे हम। तो सोल्ड करने के लिए अपने आयरन ऑन कर लेते हैं। तो देखिए अब हम इसको यहाँ पे पहले अपना पेस्ट लगा लेंगे, ये हमने यहाँ पेस्ट अपना यहाँ लगा लिया यहाँ पे, ठीक है। इतने पे हमने इसको अपना पेस्ट लगा लिया ताकि सोल्डर बड़े आराम से हो जाए इस पर। अब मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा सही सही दिखाई दे, इतना मैंने जूम कर लिया है इसको। अब मुझे क्या करना है, इसको सोल्ड करना है। तो सोल्ड करने के लिए मैंने लिया अपना आयरन, आयरन को चेक किया, देखिए मस्त गर्म हो गया ये तो, और ये हमने इसको यहाँ कर लिया सोल्ड। देखिए दोस्तों जैसे कि मैंने इसे सोल्ड कर लिया, अब सोल्ड करने के बाद मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा कट कर दूंगा। ये मैंने यहाँ से थोड़ा थोड़ा इसको कट कर दिया। तो अब ये इस तरीके से मेरे को ये एक मिल गया है, देख रहे हैं आप, इस तरीके से मिल गया। अब हमें क्या करना है, अब जो हमारा ये वाली पीसीबी है, इस पीसीबी से जो दोनों कनेक्शन माइक के हैं ये हटाने हैं हमें। तो हम इन दोनों कनेक्शनों को हटा लेंगे। तो हमने चिमटी ले ली अपनी, चिमटी की मदद से हमने जो है दोनों कनेक्शन यहाँ से डिसकनेक्ट कर देने हैं। तो हमने ये देखिए हमने दोनों कनेक्शन यहाँ से हटा दिए। अब दोस्तों जो हमने माइक अभी हटाया है, यहाँ पर क्या करना है, हमें ये जो हमने जो वायर बनाई है इस वायर को हमें यहाँ कनेक्ट कर देना है। जो हमने ये वायर बनाई है अपनी ये वाली, तो इस वायर को हमें यहाँ पे कनेक्ट कर देना है।
तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने जो है माइक हटा करके अपनी ये वाली केबल यहाँ पे कनेक्ट कर दी है। तो अब ये कैसे काम करेगा? अब काम ये ऐसे करेगा, जैसे मैंने आपको बताया कि माइक में क्या होता है कि यहाँ से ऑडियो रिसीव होती है और यहाँ से ऑडियो आउट हो जाती है आपके फ़ोन या जहाँ भी आपने रिकॉर्ड करना है वहाँ पर। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं इस पिन को यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगा, यहाँ पर इस तरीके से देखिए यहाँ इंसर्ट हो गया। अब ये क्या हो रहा है कि ऑडियो यहाँ से जो ऑडियो बनेगी वो ऑडियो यहाँ से होती हुई और इस माइक के अंदर जाएगी, वायरलेस माइक के अंदर। ठीक है, अब इसका ऑडियो यहाँ से होता है, इस वायरलेस माइक के अंदर जाएगा। अब ये वायरलेस क्या करेगा, इसको कन्वर्ट करके ऑडियो को और इस सेंसर के थ्रू आपके फ़ोन या जहाँ भी आप इसको लगा के रिकॉर्ड करेंगे वहाँ पर ये रिकॉर्ड करना शुरू कर देगा। तो एक बार देखते हैं इसको ट्राई करके कि ये कितना कामयाब हुआ है। तो हम इसको इसी कंडीशन में, ओपन कंडीशन में करेंगे। तो इसके लिए हमने पहले इसको ऑन कर लेना है, इस डिवाइस को। देखिए ऑन करते जो है इसकी लाइट और ये लाइट ब्लिंक करने लगी है। और दोस्तों अभी जो आप ऑडियो सुन रहे हैं ना, वो ऑडियो मेरे फ़ोन की ऑडियो है। और अब जो मैं इसमें ये अपना ये कनेक्ट करूँगा और फिर ये जो आवाज़ आएगी आपको वो मेरे इस बोया माइक की होगी जो मैंने वायरलेस बनाया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ पे इसको कनेक्ट कर देता हूँ। तो दोस्तों मैंने अभी एक आवाज़ रिकॉर्ड की थी जो कि मैं आपको नई अभी डाली है मैंने। तो उस आवाज़ में मैंने क्या किया था कि ये कैमरे का जो आपको देख रहे हैं यहाँ पर कि ये दो जगह पे काम करता है, एक तो स्मार्टफोन पे काम करता है और एक आपका जो है कैमरे पे काम करता है। तो जो हमारा ये जुगाड़ जो हमने बनाया है दोस्तों, इस जुगाड़ में क्या है कि ये जुगाड़ हमारा हमारे कैमरे मोड पर काम करेगा। जैसे आप इसको कैमरे मोड पर रखेंगे तो आपका माइक काम करेगा, अगर आप स्मार्ट मोड पर लेके आएंगे तो यहाँ पर ये जुगाड़ काम नहीं करता है। तो मैंने एक्सपेरिमेंट कर लिया है। तो अगर आप कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि अपना वो या M1 माइक जो है वो कैमरे मोड पर रखिएगा, ताकि कैमरे मोड पर आप रखेंगे तो वो आराम से जो है आपका काम करेगा। तो दोस्तों देखिए, जैसे कि मैं अभी जो आवाज़ सुन रहे हैं वो आप जो है इस वायरलेस माइक के ओरिजिनल माइक की आवाज़ सुन रहे हैं। जैसे कि मेरे पास इसका पेयर है, एक ये है, मैंने इसको बंद कर रखा है दोस्तों। ये इसकी देखिए केबल सब कुछ निकाल दिया मैंने, अलग रखा हुआ है। ठीक है, और ये जिससे रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं ये है, देखिए ऑन यहाँ पर है, ये इसका ओरिजिनल है। मेरे पास जो है इसका पेयर है पूरा, मैं पेयर के साथ दिया था मैंने। तो अब जो आवाज़ सुन रहे हैं दोस्तों वो इस माइक की है जो इसका ओरिजिनल है। आप देख रहे होंगे आवाज़ जो है, आवाज़ तो आ रही है लेकिन नॉइस कैंसिलेशन भी है, लेकिन आवाज़ कम आती है इसकी, थोड़ी आवाज़ जो है ना डाउन रहती है, जो वॉल्यूम है इसका वो डाउन रहता है। तो ये ओरिजिनल माइक की आवाज़ है जो नॉइज डिटेक्शन के साथ है, लेकिन जो है थोड़ा लाउड कम है। और इसका जो M1 मैंने लगाया ना, M1 के बाद मैं देख रहा हूँ तो M1 के बाद जो आवाज़ तो बढ़ गई, क्योंकि M1 की माइक की जो आवाज़ होती है ऑलरेडी बहुत लाउड आवाज़ होती है। और अब जो क्या है, नॉइज डिटेक्शन का जो प्रॉब्लम था ना वो भी सॉल्व हो गया है। तो अब जो नेक्स्ट आवाज़ सुनेंगे आप दोस्तों वो इस आवाज़ इसकी सुनेंगे, इस माइक की जो मैंने जुगाड़ करके बनाया है, और उसमें नॉइज डिटेक्शन भी नहीं है दोस्तों, वो भी देखिएगा आप अगर लगे ना आपको नॉइज डिटेक्शन तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ये जुगाड़ कैसे बनाया लगा है तो वो भी मुझे बताएगा कमेंट करके। चलिए नेक्स्ट आवाज़ आपको सुनाता हूँ अब मैं इस माइक की। तो जैसे कि आप सुन रहे हैं दोस्तों, ये मेरा M1 माइक की आवाज़ है जो मैंने वायरलेस बना दिया है। M1 माइक में जो है नॉइस आती थी मेरी बहुत ज़्यादा, तो लेकिन अब क्या मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया है तो इसमें शायद नॉइस ख़त्म हो गई है, बिल्कुल नॉइस नहीं है। और मैं चेक कर चुका हूँ, अगर आपको लग रहा है दोस्तों नॉइस है या फिर कुछ आपको आवाज़ में डिफरेंस लग रहा है तो मुझे बताइएगा। और आवाज़ आपको देखिए लाउड भी आ रही होगी, क्योंकि इसकी माइक जो अभी आज आपने जो आवाज़ सुनी है इसकी वो बहुत स्लो आवाज़ थी, लेकिन जो M1 लगाने के बाद जो है ना माइक की आवाज़ जो है ना एकदम लाउड हो गई है। आपको क्लियर आवाज़ मेरी सुनाई दे रही होगी और आवाज़ भी जो है लाउड सुनाई रही होगी। तो ये मैंने जुगाड़ करके एक अपने माइक को जो है वायरलेस माइक में कन्वर्ट कर दिया है M1 को। तो अगर आप भी ऐसा एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं घर में तो आप कर सकते हैं। कोई भी जो है ऐसा एक सिंगल पेयर का आप एक वायरलेस माइक ले लीजिए और जैसे मैंने कनेक्शन बताया है बिल्कुल सेम वही कनेक्शन करने हैं। आपको एक ऐसी वायर लेनी है, ये मुश्किल से 50 रुपये की वायर आ जाती है। अगर आप लेंगे सस्ते में लेंगे तो 10-20 रुपये की भी आपको मिल जाएगी ये वायर, ठीक है। और एक आपको सस्ता सा अगर वायरलेस माइक आप लेंगे तो सिंगल पेयर में अगर लेंगे, मैं तो ग्रेनेडो का यूज़ करता हूँ, अच्छा माइक है, सही काम करता है, आप लेंगे तो 800-750 रुपये में आपको ये भी मिल जाता है। लिखा है 800 रुपये में आपको ये एक ग्रेनेडो का सिंगल पेयर सिंगल माइक में आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या है, आपको एक 800 रुपये का ये ले लेना है वायरलेस, ये क्या नाम है, बोया माइक, ये भी 800 रुपये का मिल जाता है। और इसी तरीके से कनेक्शन करके आप जो है 1500-1600 रुपये में एक अच्छा वायरलेस माइक अपना लिए बना सकते हैं। और दोस्तों अब जो आवाज़ सुन रहे हैं आप वो सिर्फ मेरे बोया M1 माइक की आवाज़ है, क्योंकि मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है। ये देखिए अपना जुगाड़ी मैंने हटा दिया है, ये मेरा सेंसर भी मैंने हटा दिया है, और ये मेरा माइक वाइक, ये सब कुछ, ये पूरा डिवाइस मैंने हटा के अलग कर दिया है। अब मेरा सिर्फ क्या है, मेरा जो है ये बंद कर देता हूँ मैं इसको, ये भी बंद हो गया। चलिए अब जो मैंने अपना बोया M1 माइक, सॉरी
दोस्तों अब जो आवाज आप सुन रहे हैं वो बोया M1 माइक की आवाज आ रही है। देखिए मैंने इसको स्मार्टफोन पे जो है ये कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। और अब जो आवाज सुन रहे हैं वो मेरे M1 माइक की है, बोया की। और मैंने जो जुगाड़ बनाया था दोस्तों ये सब हटा दिया है। अब आपको मैं सुना रहा हूँ सिर्फ M1 माइक की आवाज जो कि आप सुन रहे हैं, ठीक है। तो आप डिफरेंस कुछ देख सकते हैं दोस्तों कि कितना डिफरेंस है सब सारी आवाज़ों में। खाली जो अगर हम इसकी आवाज़ सुनते हैं तो अलग आवाज़ हो जाती है, और बोया M1 के साथ ये कनेक्ट करके सुन रहे हैं तो अलग हो रही है, और खाली बोया की सुन रहे हैं तो अलग हो जा रही है। तो आई होप आपको वीडियो दोस्तों पसंद आया। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर हम ऐसे ही जो है एक्सपेरिमेंटल वीडियो बनाते हैं, और लैपटॉप और डेस्कटॉप से की रिपेयरिंग से रिलेटेड भी वीडियो हम बनाते हैं यहाँ पर, ताकि वो देख करके आपकी हेल्प हो सके, आप कुछ इससे सीख सकें। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, और फिर मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय भारत।